हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से। और टूडे में आज हम डिस्कस करने वाले फर्टिलाइजर एंड केमिकल टर्नकोर लिमिटेड इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक में निचले लेवल पर काफी बड़ी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। स्टॉक में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अब यहाँ से स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके रखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की बेसिक चीजें जान ले तो कंपनी का मार्केट कैपिटल है 47,301 करोड़ रुपए का। स्टॉक का करंट प्राइस है 731 रुपए। स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया 717 रुपए, जहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट लगभग 40 रुपए की गिरावट दिखा चुका है। और जिस तरह पीछे के कई दिनों में देखा तो बहुत बड़ी तेजी 109 रुपए स्टॉक में एक दिन की बड़ी तेजी देखने को मिली, जहां पर स्टॉक 20% का अपसाइड मूव दिखाया। और दूसरे दिन फिर से स्टॉक में लगभग 19% की बड़ी तेजी देखने को मिली। परंतु स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में निवेशकों ने एक मुनाफा वसूली की और उसके बाद स्टॉक में आज के दिन एक रिकवरी देखने को मिल रही है निचले लेवल। स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो पीछे के 1 सप्ताह के अंदर स्टॉक में 35% की तेजी देखने को मिल चुकी है, तो वहीं 1 महीने में 34%, 3 महीने में 50% और 6 महीने के अंदर 120% से भी ऊपर के रिटर्न देखने को मिले हैं। और पीछे के 1 साल की बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 528% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में नीचे के एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बना 668 रुपीज। 668 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक में एक नीचे का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जहां से स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। अब अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते तो अराउंड 720 रुपीज 720 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 755 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।